अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर। तो आज हम सेकंड संडे कमेंट्स बॉक्स में आपके शिकवे गिले और आपके सवालात के जवाबात में देने के लिए फिर से रेडी हूँ। इस पूरे वीक के अंदर कौन कौन से सवाल जो आपने मुझसे किए हैं उसके मतलब बातचीत करना चाहूँगा मैं आप लोगों से। तो देखते हैं जी कौन कौन से सवाल जवाब आए हैं। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप भी कमेंट्स पढ़ सकूँ और मैं भी अच्छे से क्लियर पढ़ सकूँ। ले जी लिखते हैं, डिसेंट सीरीज डन बेस्ट टीचर, ये लेक्चर नंबर 39, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे इसी वीक के अंदर, वो कहते हैं जी फिर से डिसेंट सीरीज कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आपके लेक्चर बहुत अच्छे हैं, बहुत आसान होते हैं, शुक्रिया सर, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे और आप हमें इसी तरह अच्छे अच्छे लेक्चर्स हमें प्रोवाइड करें, थैंक यू सो मच आपका, मैं कोशिश करूँगा, हमेशा लगा हूँ इस काम में, आपका बहुत शुक्रिया। और यही सेंड किया है मुझे किन्होंने मैसेज, डिसेंट वालों ने, डिसेंट उसने डन किया था। ओके, जो मैंने अभी अभी कमेंट्स पढ़ा वो बेसिकली वो था मुनीब अख्तर साहब का। ये जी मुनीब अख्तर साहब, आपको हमने लाइक कर दिया है और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए ये टाइम निकाल कर कमेंट्स किया जी। डिसेंट सीरीज फिर से डन कहते हैं अगले लेक्चर का। उसके बाद फरहान अहमद साहब कहते हैं सर कोर्स की सेटिंग भी कम्प्लीट बता दें, कोर्स यार सॉरी कर्सर ऑटोकैड के लेक्चर में कर्सर की सेटिंग कैसे कंप्लीट बतानी है, वो इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है। आप वैसे ओपी एंटर करके इसकी सेटिंग में जा सकते हो या फिर जो डी एंटर आप करवाते हो उसके अंदर भी सबसे पहले नंबर पे कर्सर की सेटिंग आ रही होती है, आप वहाँ से भी चेक करोगे। अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इसकी थोड़ी सी सेटिंग ज़रूर क्लियर कर दूँ, मैं वीडियो बना दूँ इसकी कर्सर सेटिंग की। अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट्स कर देना, ट्राई करने के बाद हो जाए तो गुड, नहीं तो मुझे बता देना। उसके बाद कहते हैं अनीस डियर साहब क्या कहते हैं हमारे लिए, कहते हैं सर इंग्लिश के लेक्चर नहीं मिल रहे, मैंने 14 लेक्चर देखे हैं बस आगे नहीं मिल रहे, बहुत सर्च किया है नहीं मिल रहे। तो आप सिर्फ इतना काम कीजिएगा, देखिए मैं YouTube ओपन कर रहा हूँ, आपने सिर्फ इतना काम करना है, लिखना है सर माजिद इंग्लिश लेक्चर, तो आपके सामने इंग्लिश के लेक्चर आने चाहिए मेरे, सर्च करके देख लेते हैं, नहीं होते तो फिर आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में तमाम प्ले लिस्ट सेंड कर, सर माजिद इंग्लिश लेक्चर 15 लिख के देखता हूँ जी, कि आप 15वां नंबर आपको लेक्चर नहीं ना मिलता तो सर्च कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 15 आता है। तो ये देखिए क्या लिखा आ रहा है, 40 लेक्चर मेरे इकट्ठे आपको नज़र आ रहे हैं, वेब के 158 नज़र आ रहे हैं, तो मतलब आपका सारा मसला हल हो गया, एक पूरी प्लेलिस्ट आ गई, यहाँ से आप इसको सर्च कर पाओगे तो आपका मसला हो गया हल। ओके जी अनीस डियर, ये जी आगे बढ़ते हैं। अनीस के बाद हमारे पास बारी आती है बशीर खान, कहते हैं सर आई लव यू 2, 3, 4, 5, 6, सारे लव यू आपके लिए। नेक्स्ट कहते हैं अनीस डियर सर आपके इंग्लिश के लेक्चर नहीं मिल रहे। तो अनीस साहब अभी अभी मैंने आपको ऊपर कमेंट्स रीड करके दिखाया, अगर आप कमेंट्स वाली वीडियो देख रहे हो तो आपकी प्रॉब्लम वहाँ सोल्व हो जाएगी, काइंडली चेक कीजिएगा अभी। फिर हाजी मोहम्मद आसिफ कहते हैं जजाकल्ला सर, आज आपके लेक्चर की वजह से हमारा मिड का पेपर अच्छा हो गया, थैंक यू सो मच। तो बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ साहब, आपने इस लेक्चर्स को देखा और अपना पेपर क्लियर किया जी। उसके बाद बारी आती है हनी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स, तो ये हनी हेल्थ हमारे लिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सब योर चैनल आई वांट टू लर्न वेब डिज़ाइनर सो थैंक्स बाई। ओके हनी हेल्थ साहब आपने सब्सक्राइब कर लिया है और कहते हैं जी हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखें, आप इसको सब्सक्राइब किया है आपका इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फैमिली टीवी, बट सर योर लेक्चर इज़ अंडरस्टैंडेबल थैंक्स टू रियलाइज इट। ओके शुक्रिया आपका भी फैमिली टीवी ने जो भी कुछ हमें कुछ कहा है वो काफ़ी लंबा मैसेज है, एक बार पढ़ लेते हैं। भाई माजिद आप प्लीज़ ये बताइए कि मैंने JPG की पिक्चर लगानी चाहिए जो कंप्यूटर में पहले ही मौजूद थी, वो तो लग गई जो मैंने लगानी चाहिए, खुद से वो नहीं लग रही वो जो मैं लगाना चाह रहा हूँ। अच्छा वो मैंने DSLR से पिक ली है, प्लीज़ कुछ हिंट बता दें। तो आप सिर्फ ये क्लियर करके देखें कि आप DSLR से जो पिक्चर खींच रहे हैं क्या उसका फॉर्मेट JPEG ही है, अगर JPG है तो लाजमी 100% वो पिक्चर आपकी कॉल होगी, 1% भी डाउट वाली बात नहीं रह जाती। आप काइंडली ट्राई करके देखें, ना लगे तो पिक्चर मुझे
उस कोडिंग की पिक्चर खींच के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अपना व्हाट्सएप नंबर है मेरा ये वाला। आप काइंडली इसकी कोडिंग है ये मैं सेंड करें तो आपको मैं लाजमी कोई सोल्यूशन बताऊँगा। 7646973 ये मेरा सेल नंबर है, व्हाट्सएप पर भी यही है। काइंडली इस पर टेक्स्ट ज़रूर कीजिएगा तो आपको बेहतर रिस्पॉन्स मैं देने की कोशिश करूँगा। मोबाइल टैग कहते हैं विजिटेड लगाता हूँ तो पीछे पिछले काम नहीं करते। तो आप इतना काम कीजिएगा, अगर आप विजिटेड लगा रहे हैं तो आप विजिटेड को ए हैश विजिटेड क्लास के तौर पे या आईडी के तौर पे कॉल करें तो आपके पिछले लिंक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नई कोडिंग करोगे वो उसी जगह पे जाएगी जहां आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपको मे बी अभी मैंने आईडी क्लास के लेक्चर से आगे 29 के बाद वो क्रिएट किए तो आप आगे देखोगे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट ना मिले तो मुझे लाजमी कोडिंग की पिक्चर खींच के सेंड करें, कुछ ना कुछ आपको सोल्यूशन मैं लाजमी बताऊँगा कोडिंग देखने के बाद। लखो फरूकी कहते हैं जी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन, आप अच्छा काम कर रहे हो। ओके थैंक यू। उसके बाद कहते हैं जी मोबाइल टैग कहते हैं सर फिर वेब कैसे बनाए, कंफ्यूज हो रहा हूँ कि HTML या CSS से बॉर्डर वगैरह। ओके कि सर फिर वेब कैसे बनाए, कंफ्यूज हो रहा हूँ कि HTML या CSS से बॉर्डर वगैरह। आप भाई मेरे आप CSS से ही वेबसाइट बनाओ, HTML के यूजेस के थ्रू CSS के लेआउट के ज़रिए आप वेबसाइट बनाओ, आप कंफ्यूज ना हो। आप टारगेट अपना CSS रखो तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी तो आपको इजी हो जाएगा। आकाश जैसे लिखते हैं सर फायरफॉक्स से पे PC शो नहीं हो रहा, लेआउट डिस्टर्ब है, पी क्लिक करने से ओपन हो जाती है वैसे ब्लैंक है। आप एक काम कर लो, आपके ऊपर डॉग टाइप का टैग लगने वाला होगा वो काइंडली लगा के देखो, आपको जो लेआउट वगैरह डिस्टर्ब होता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर से वही ऑप्शन है कि कोई मसला आता है तो मुझे उसकी कोडिंग की पिक्चर खींच के सेंड करनी है, फिर उसे मैं देख के रिप्लाई लाजमी आपको कर पाऊँगा। आतिफ हुसैन लिखते हैं सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बनाओ वीडियो। ओके आतिफ साहब, मैंने पहले अभी तक सिविल के ऊपर काफ़ी हद तक काम कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा पहले भी मुझे गुस्से में लोग कह रहे होंगे कि पिछले उसकी पहले वीडियो पूरी करें, मैं नए नए कोर्सेज के चक्कर में पढ़ा हूँ उसको भी कंप्लीट करूँगा, तो मैं आपके लिए इन चीज़ों के बाद ज़रूर करूँगा ट्राई। अभी मैं पहले माजरत करता हूँ ताकि बाद में हमारा आपस में बुरे बुरे अल्फाजों मुझे याद ना आप कर सको। शरी जट कहते हैं 2 दिन पहले इनका आया है जी, माशाल्लाह बहुत आला काम किया है सर जी आपने। ओ यार बस ऐसा ही हुआ है, थैंक यू सो मच। अली गौर कहते हैं ड्रीम माजिद सर अस्सलामुअलैकुम, मेरा सवाल ये है कि अब तक आपने जितनी वेब डिज़ाइन सिखाई है क्या इससे बंदा पैसे कमा सकता है, बहुत अहम सवाल किया इन्होंने, और किस तरह से काम सीखता है, किस तरह काम से कमा सकता है, प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए, अल्लाह पाक आपको जजाए खैर दे। तो मेरे अली गोहर साहब आप सिर्फ इतना काम कीजिएगा, जैसे मैं वेबसाइट जब भी कोई काम करता हूँ ना, आप एक काम करो, आप पहले इन लेक्चर्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, जब आपको समझ आ जाए। फेसबुक हमारे लिए है, सोशल मीडिया जो हमारे पास बना हुआ है ना, वहाँ पर छोटी सी पोस्ट बनानी सीखो, मैंने कोरल अडोब सिखाया हुआ है, आप यूट्यूब पे सर माजिद कोरल सर माजिद अडोब लिखोगे उसको सीखो, छोटी छोटी पोस्टें बनाओ डेली की, एक एक दो दो पोस्टें शेयर करनी शुरू करो कि 5,000 में 7,000 में 8,000 में वेबसाइट बनवाएं तो मार्केट में 10-12,000 रेट चलता है, आप उससे कम रेट पे काम शुरू करोगे, और अगर कोई इससे भी कम पैसे देता तो आप स्टार्टिंग अपने आप को चेक करने के लिए वो काम पकड़ते जाओ। स्टैटिक साइट बनाओ तो आपको इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, 1 महीना एक्टिविटी करके देखो, इंशाल्लाह 31वें दिन आपको अच्छा रिस्पांस आ चुका होगा और आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे। अब्दुल जवार कहते हैं काइंडली लिंक बता दें जिससे लाइसेंस की का इशू ना हो और कमर्शियल में चला जाए। दोबारा फिर नीचे ये कहते हैं सर जी अमेजिंग स्लाइडर लाइसेंस की बताएं, तो इनका क्वेश्चन ये है कि अमेजिंग स्लाइडर को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप sirmajidtech.com पे जाएं, उसमें सॉफ्टवेयर पेज पे क्लिक करें और वहां से आपको मिल जाएगा अमेजिंग स्लाइडर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास मोहम्मद बिलाल कहते हैं जी अली है ट्रिब्यूट। ओके दोबारा पूछ रहे हैं सर लेक्चर नंबर 3 में H1 के टैग के आगे क्या है, अली नहीं है अलाइन, ALIGN है अलाइन है ट्रिब्यूट जी। इसका बिलाल साहब ये काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। आयशा मुनीर कहती हैं बाकी सब तो सेट हो गया बट कलर नहीं हो रहा चेंज। अब आयशा जी आप एक काम करें, आप अपने जो भी कोडिंग की है उसको मुझे इस कमेंट्स में
उसकी पिक्चर खींच के मुझे इसके ऊपर व्हाट्सएप की पिक्चर सेंड करें, मैं लाजमी देख के आपको रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि कलर के मोस्टली क्या होते हैं, स्टूडेंट्स स्पेलिंग गलत लिखते हैं, आपने कलर COLOR ही लिखा है, फिर भी क्या मिस्टेक है वो मैं देख के बता पाऊँगा, बाकी बिना बताए तो कुछ नहीं कहा जा सकता जी आप कोडिंग को। उसके बाद हमारे पास आगे बढ़ते हैं जी मोहम्मद बिलाल। कोडिंग में अली माजिद बहुत बार लिखा है इसलिए सज नहीं आ रहा, क्या है जी सेज नहीं आ रहा, व्हाट इज दिस। कोडिंग में अली माजिद बहुत बार लिखा है इसलिए साज नहीं आ रहा, आई डोंट नो पता क्या साज कहते हैं क्या है जी। सेलेक्शन नंबर 3 से सम प्रॉब्लम है यानी कंफ्यूज हूँ, तो आप तो खुद कंफ्यूज हैं, आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, इसका क्या मकसद है काइंडली मुझे लाजमी रिप्लाई करके बताओ ये आपने क्या मुझसे पूछना चाहा है, और जो भी कंफ्यूजन है मुझे उसकी पिक्चर खींच के सेंड करे कोडिंग पे। अच्छा जी अपने पास नेक्स्ट सिचुएशन आती है कि मोबाइल टेक कहते हैं सर नो रिपीट वाला काम नहीं कर रहा, तो नो रिपीट में आपने क्या करना है, बैकग्राउंड माइनस रिपीट कोलन नो माइनस रिपीट लिखोगे तो आपका 100% ये कोडिंग काम करेगी, और पहले उसको हाँ जी रिपीट करने से रोकोगे तो लाजमी काम करेगा। फिर भी कोडिंग करते हो नहीं समझ आता तो मुझे उसकी पिक्चर खींच के व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, लाजमी कोई सोल्यूशन आपको बताऊंगा, देख के बता पाऊंगा, वैसे जो मैंने बोला है लफ्ज़ उसको सुने तो आपको लाजमी काम डन हो जाएगा। आतिफ से लिखते सर मेरे ब्राउज़र की फ़ाइल नहीं ओपन हो रही, तो आतिफ साहब आपकी फ़ाइल की आप उस पर राइट क्लिक करें, अगर ओपन नहीं हो तो राइट क्लिक करके ओपन विद में जाकर फिर उसे क्रोम या फायरफॉक्स पे लोड करें तो लाजमी ओपन हो जाएगी ये वाली भी। उसके बाद बारी आती है मोबाइल टैग, फिर से आते हैं कहते हैं HTML5 भाई नहीं देता क्या, HTML5 भी नहीं देता क्या, व्हाट इज दिस। ग्रेडियंट कलर हाउ, ग्रेडियंट कलर मैंने आगे बिल्कुल क्लियर किया हुआ, आप आगे आगे बढ़ते जाओ, ग्रेडियंट कलर आपको लाजमी मिलेगा और HTML5 भी नहीं देता क्या, तो इसका मुझे क्वेश्चन आपका बिल्कुल समझ नहीं आया, काइंडली इस क्वेश्चन को आप दोबारा मुझे करें, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर देना चाहूँगा। इस्लामिक मालूमात कहते हैं नाइस वीडियो, थैंक यू इस्लामिक मालूमात आपका चैनल। फिर आते हैं मोहम्मद साकिब उस्मान, वंडरफुल सर माजिद अली यू आर डूइंग ग्रेट जॉब ऑनलाइन में, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आपका मोहम्मद साकिब हुसैन साहब। ये लास्ट 3 डेज़ के कमेंट के हो चुके हैं वेरीफाई। इलियास जस जमील जमाली लिखते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट लेक्चर, ओके आप इसे सुने आप काफ़ी इंजॉय करेंगे जिसको। कैडिट असद कहते हैं सर आपने ये लेक्चर यहाँ पे विंड या वाइंड अप क्यों किया है, प्लीज़ फर्दर कंटिन्यू करें। आप काइंडली ग्राफिक डिज़ाइन के मैंने 25 नहीं मेरे 28-29 लेक्चर हैं, आप मतलब ग्राफिक डिज़ाइन मतलब कोरल के बात कर रहा हूँ, अडोब के तो आगे ग्राफिक में चल ही रहा था, कोरल में आप लिखो सर माजिद ट्राईपोर्ड लिखो ब्रोशर लिखो, मैंने और भी लेक्चर बनाए हुए हैं जो आपके काम आएंगे वो आप ट्राई करें, आपको फ़ायदा होगा उसका भी जी। इसी के साथ आगे आते हैं आकाश हुसैन, थैंक यू सो मच सर, वेलकम जी आपका भी। उसके बाद आकाश फिर से कहते हैं कि सर बट सर लेक्चर में डायरेक्ट डाउनलोड वाले टैग नहीं काम किया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आकाश साहब, मैंने लेक्चर नंबर 148 दोबारा बनाया है इस 42, हालांकि 76 में ही बताया लेकिन उससे बाद भी कोडिंग अपडेट हो चुकी है, मैंने लेक्चर नंबर 148 या 147 के बीच में कोई लेक्चर है वो आप सर माजिद 148 लेक्चर नंबर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें दोबारा चेक करो मैंने उसमें कोडिंग को अपडेट किया हुआ, आपको वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा जी। मोबाइल टैग कहते हैं अगर बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना हो तो ज़रूर करो, लेकिन आगे थोड़ा बढ़ोगे CSS लेक्चर में जाओगे तो बिल्कुल होगा। हमादुल्ला कहते हैं थैंक यू वेलकम जी आपका भी। उसके बाद कहते हैं नाइस किया तो आपका भी शुक्रिया। टेक्निकल जिगरिस कहते हैं सर ऑफलाइन भी सिखाते हैं क्या आप प्लीज़ रिप्लाई, तो जिगरीस भाई मैं ऑफलाइन बिल्कुल 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 सिखाता हूँ भी, लेकिन आजकल दरअसल टाइम नहीं बन पाता इसलिए नहीं सिखाता, फिर भी मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, देखेंगे मैं बेसिकली लाहौर में होता हूँ तो अगर आप इसी लाहौर सिटी में होते हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता करना, हम आपस में बातचीत करके कोई मसले सुलझाने की कोशिश करेंगे अपने। ओके जी आगे आते हैं जॉन लैटन, यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, और यार शुक्रिया बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लेकिन एक और उनको गिला भी है सर कभी कमेंट्स भी लाइक कर दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि आपने पढ़ा भी है या नहीं, तो ये मैंने पहले लाइक मैंने किया हुआ था, मैं अनलाइक किया दोबारा, मैंने लाइक पहले से कर दिया था आपका कमेंट्स जॉन लैटन साहब। शारिक जहीर कहते हैं सर जी लेक्चर थोड़ा बड़ा रखा करें, तो मैं यार कोशिश करता हूँ कभी लेक्चर देखो ना
कुछ लेक्चर मैं बड़े अपलोड करता हूँ, जहाँ जिसका जितना कॉन्सेप्ट कवर हो रहा होता है मैं उसको उतना लेता हूँ। कुछ लेक्चर मेरे 40 मिनट के भी हैं, कुछ 35 मिनट के, कोई 5 मिनट का भी है। तो जो लेक्चर जहाँ वाइंड अप हो रहा होता है मैं उसको कोशिश करता हूँ वहाँ वाइंड अप कर दूँ। महक मलिक लिखते हैं यू आर ग्रेट सर, थैंक यू। फिर कहते हैं यू आर बेस्ट सर, ओ वेरी गुड, थैंक यू सो मच आपका। फिर कहते हैं जॉन लेटन, यस सर यू आर रियली अ बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, वो शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका, जॉन साहब। फैजल तुर्क लिखते हैं, जी सर आपने बहुत मेहनत की है, बिल्कुल ठीक है, और बहुत ही अच्छा और इजी करके समझाया है। ये मेरा सी लैंग्वेज के लेक्चर है, वरना सी लैंग्वेज तो सर से गुजर जाती थी। इन तीन वीडियो से थोड़े थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क दोनों समझ आ गए हैं। और भी कुछ लिखा है इन्होंने, थैंक यू सो मच सर। तो वेलकम, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप इन वीडियो को देख रहे हो और इनसे सीख रहे हो, मेरा मकसद पूरा हो रहा है। आकाश ना लिखते हैं, सर HTML5 कोडिंग क्रोम में नहीं काम कर रही, डाउनलोड वाला टैग इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हो रहा है। तो आकाश साहब आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप लेक्चर नंबर 148 या 147 मैंने रिकॉर्ड किया है दोबारा डाउनलोडिंग वाला, अब वहाँ जाएँ आपको समझ आ जाएगी ये कैसे काम होना और कैसे काम नहीं करना। जी सैयद शाह कहते हैं लव यू, बहुत आला। सैयद शाह जी आपको भी लव यू और लव यू फाई बोल के। मोहम्मद आसिफ मोहम्मद फिर से आ गए हैं, सर यू आर गुड टीचर। बस यार आप लोगों की मेहरबानी है। मुदस्सिर खान कहते हैं, सर मेरे पास वेबसाइट ऑन हो रही है बट कुछ लिखा नहीं आ रहा, ये कौन सी वेबसाइट है? अच्छा, अगर आपने जो वेबसाइट खुद कोडिंग की है ये नज़र नहीं आ रहा, तो आप इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद में जाकर ब्राउज़र पे लोड करोगे तो लाजमी नज़र आ जाएगी। और लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, 5 दिन बाद, उसके लिए माजरा चाहूँगा, क्योंकि मैंने संडे को कोशिश करता हूँ कमेंट्स देखूँ, बाकी टाइम देखता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता। मोहम्मद अख्तर अली हैदर कहते हैं, ओ काइंडली, नीचे से पढ़ते हैं फिर ऊपर समझ आएगी, सर जी स्लाइडर में पिक्स शो नहीं हो रही, प्लीज़ हेल्प। और काइंडली सर जी इमेज की हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं स्लाइडर में, प्लीज़ गाइड करें। आप जो स्लाइडर बना रहे होते हो तो वहाँ इमेज की विड्थ और हाइट आपको सेट करने की इजाज़त मिल रही होती है, और पिक जो शो नहीं होती वो सिर्फ रीज़न इतना होता है, जब स्लाइडर बनाओगे साथ एक स्लाइडर इंजन का फोल्डर मिलेगा, आप काइंडली उसको कॉपी पेस्ट करोगे आप उस फाइल के साथ जहाँ लगा रहे, आपका सारे मसले हल हो जाएंगे। और नीचे फिर से इनका इतना लंबा कमेंट्स आता है, आखिरी छठा दिन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी आपके पहले 12 लेक्चर क्लियर कर लिए हैं मैंने विदाउट एनी प्रॉब्लम, और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग, बट इजी है करीबन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रोजेक्ट वर्क पे भी वर्किंग करना बताएं। तो आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको इसमें प्रोजेक्ट वर्क लाजमी मिलेंगे, और मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हुए इसके आपके कहने से पहले। मोहम्मद आसिफ आतिफ कहते हैं ग्रेट, थैंक यू आतिफ। फिर से कहते हैं नाइस, वेरी गुड। फिर से कहते हैं वेरी नाइस सर, ऑसम वे ऑफ एक्सप्लेन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये अपना छठा दिन होता है कंप्लीट। ओके, एक और कमेंट्स इसमें आया है जो मैं इग्नोर नहीं करना चाहूँगा, वो है अपने पास Hira07, उसने लिखा है लानत। हीरा जी आपका बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने का, थैंक यू सो मच, इससे आगे मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा। साइरस सर्वर लिखते हैं नाइस, थैंक यू। और महक लिखती हैं, आखिरी वाला कमेंट्स देख रहे थे आज का, सर वन क्वेश्चन, हाउ टू राइट शॉर्टकट डबल इन चेंज कलरिंग बॉडी, प्लीज़ टेल मी एनीवन। क्यों है वन क्वेश्चन, हाउ राइट शॉर्टकट डबल इन चेंज कलरिंग। तो बेसिकली जो आपका ये क्वेश्चन है ना, मैंने आगे जाके जब आप मजीद आगे फर्दर बढ़ोगे ना CSS में रहते हुए, आपका क्वेश्चन का आंसर आपको जो कलरिंग वाला मैटर है सारा वहाँ जाके कवर हो जाएगा। तो ये तो होगी कमेंट्स कुछ, अब कमेंट्स कुछ रह जाते थोड़े से और, जो आप लोगों ने लेटेस्ट किए होते हैं और आप कहते हैं हमारे कमेंट शो नहीं हो रहे, तो हेल्ड में कुछ कमेंट्स पड़े हुए हैं, देख लेते हैं जिसमें क्या कुछ पड़ा हुआ है और क्या कुछ नहीं है। नारू कुमार लिखते हैं मजाजिद सर, मजाजिद सर MS Access के बारे में और मजीद बताना प्लीज़। जी ज़रूर नूर कुमार साहब, ऐसा डन हो गया हमारा। फिर इरफान अली लिखते हैं सर फाइवर पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप MS Access का फुल कोर्स चलाएं, हमें उसकी सख्त ज़रूरत है, वो हमें नहीं पढ़ाया जाता सर, MS Word और Excel ही सिखाई जाती है, MS Access नहीं सिखाया जाता। तो इरफान अली साहब मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपको ये लाजमी प्रोवाइड करूँ लेक्चर, और इसी पे मेरा अपना इंटरेस्ट है, मैं लाजमी काम करूँगा।
और फिर से इन्हीं के ही कमेंट्स है, वो कहते हैं इरफान अली, सर आपने MS Access की नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं की, मैं ज़रूर करूँगा मंडे, इंशाल्लाह आपको वीडियो लाजमी मिलेगी हर हाल में। फराज सलूंगी लिखते हैं सोलंगी, हुसैन खुश रखे आपको। थैंक यू जी हुसैन साहब आपको, फराज साहब आपका भी। क्यों सर, क्या है फराज सिंह कहते हैं, क्यों सर, किसी का क्यों बोला मुझे नहीं पता, क्यों सर, अच्छा मेरे साथ धोखा हुआ है इसलिए बोला है। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें क्या कहानी है मेरी। अहमद गुफार साहब लिखते हैं सर प्लीज़ कंप्लीट डेटाबेस बनाना सिखा दें, मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊँगा इंशाल्लाह। फरजाना बेबी लिखते हैं गुड कैरी ऑन, ओके फरजाना। आयफा लिखते हैं यस सर आई एम इंटरेस्टेड योर सर यू मस्ट बी कंटिन्यू इट्स डेटाबेस के मतलब काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आए हैं, तो मैं आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा कदर करते हुए इसके ऊपर लाजमी काम करूँगा जो मर्ज़ी हो जाए। जैनब गुलाम लिखती हैं ज़रूर शुरू करें सर इस सीरीज़ को, ये भी डेटाबेस के मतलब है। बिलाल नसीम लिखते हैं सर आई वांट दिस सीरीज़ प्लीज़ कंटिन्यू, ओके बिलाल साहब जो हुक्म आपका। उसके बाद किंग ऑफ एजुकेशन कहते हैं कैरी ऑन दिस कोर्स, ओके जी किंग साहब। इरफान अली कहते हैं सर आई एम वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट वीडियो MS Access। इरफान साहब वेट सिर्फ मंडे तक का कर ले, मंडे को आपको लाजमी मिलेगा। उसके बाद कहते हैं फराज सलंगी कहते हैं आप जैसे टीचर ना यूट्यूब पे मिलेगा ना दुनिया में मिलेगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना किया करें नज़र लग जाती है। फराज सलंगी लेते हैं सर माजिद जिंदाबाद, सर माजिद मेरी एक ख्वाहिश पूरी करें। क्या जी सर माजिद, हमें VB 6.0 के लेक्चर प्रोवाइड करें। तो आपके जो फराज साहब, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट है कि मैं आपको VB6 सिखाऊं, मुझे खुद वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लगता है, उसके ऊपर मैं बड़ा मज़े से काम करता हूं, लेकिन थोड़ा सा बस मुझे टाइम दे दें, मैं उसके ऊपर भी लाजमी आऊंगा और उसको भी लाजमी सिखाऊंगा आप सबको, ओके। फिर से ये कहते हैं फराज साहब सर माजिद आप मेरी सिटी खैरपुर मीर्स में वेब डिज़ाइनिंग का सेंटर ओपन करें, सर आप बहुत अच्छे टीचर हो, सर आप कभी आओ हमारे सिटी खैरपुर मीर्स सिंध में, तो सर प्लीज़ 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 मिल के जाना। तो मैं वैसे तो लाहौर फैसलाबाद गुजरांवाला के अलावा कभी किसी शहर में गया नहीं, ठीक है, लेकिन मेरा फुल प्लान है ज़िंदगी को थोड़ा बहुत एंजॉय करने का, अभी तो नहीं, कुछ थोड़ी और सेटलमेंट हो जाए फिर इंशाल्लाह हर शहर में जाया करेंगे। पहले आपको यहाँ अनाउंस करूँगा, फिर आप लोगों से मिला करूँगा आकर, और मुझे भी अच्छा लगेगा, शायद आपको भी अच्छा लगे। यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच, बहुत खूब सर माजिद। एक भाई ने बहुत सारे कमेंट्स हमें किए हुए, आई लव यू सर माजिद, मेरा प्यारा टीचर, अल्लाह आपको खुश रखे, मेरी उम्र अल्लाह पाक आपको दे, ऐसी बातें नहीं करते, मेरी जितनी सी उम्र है उतनी काफ़ी है सर माजिद। बाकी एक चीज़ आप रिप्लाई नहीं दे रहे, अरे क्या करूँ मैं, वो देखा रिप्लाई दिया मैंने नहीं समझ, tech.com में कोर्स मेनू नहीं चल रहा, ओके। तो कोर्स वाला टैब इसलिए काम नहीं करता, एक तो ये वो मसला है, और सेकंडली जो मैं रिप्लाई नहीं ना कर पाता, मेरा मसला कुछ होता है कि मैं कॉलेज भी होता हूँ, इसके ऊपर भी काम करना होता है, तो फिर इसलिए मैंने संडे कमेंट्स बॉक्स बनाने का मकसद यही था आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई मैं अच्छे से दे सकूँ। फराज सलंगी लिखते हैं हाँ मैन सदाखो, आई डोंट नो ये क्या होता है, हाय मान सदखू, हाय मैं सदके शायद ये लिखना चाहा उन्होंने। उसके कैरियर बिल्डिंग लिखते हैं प्लीज़ सर सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिए, थैंक्स। तो कैरियर बिल्डिंग आपका ताल्लुक तो मेरे साथ बहुत पुराना चल रहा है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, ज़रूर कोशिश करेंगे। सर आप कौन से कॉलेज में टीच करते हैं, मैं बेसिकली लाहौर के अंदर एक कंप्यूटर कॉलेज है वहाँ टीच करता हूँ, नाम है उसका ग्रेस कॉलेज, जी जी आपको नाम भी बता दिया आज मैंने। हीरा अब्बास क्या कहती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, एंड सेकेंडली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू, आई हैव सीन मैनी ऑफ योर वीडियोज़, के कहती मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती हूँ, आपने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं और वीडियो से इम्प्रेस हुई हूँ, आई हैव लर्न अलॉट, मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे वीडियो से, एंड आई कैन से विद सर्टेनिटी ओके दैट देर इज़ नो टीचर लाइक यू, मेरे जैसा टीचर कहती कोई भी नहीं है, मैं ऑल माइटी गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सक्सेसफुल लाइफ दे और हमेशा खुश रखे, आमीन, उन्होंने खुद ही आमीन कर दिया, तो सुमा आमीन। सेम वही कमेंट्स उन्होंने नीचे दो बार पेस्ट किया है, शुक्रिया आपका इतनी ज़्यादा मेरी केयर करने का, केयर लफज अच्छा रहेगा आपके लिए। क्रेज़ी पबजी प्लेयर कहते हैं सर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ एक्सेस में, लें जी मैं फिर कुछ करने लगा हूँ आपके लिए। उसके बाद ये कौन है, ये कहते हैं लर्न मोर कहते हैं इंटरेस्टेड एक्सेस में, क्योंकि मैंने कहा था इंटरेस्टेड तो बताइएगा। TTS नेटवर्क कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लाइक योर ऑल वीडियो लेक्चर्स बिकॉज यू एक्सप्लेन वेरी वेल, कैन यू हेल्प मी, आई वॉन्ट टू मेक ई कॉमर्स वेबसाइट एंड आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस, नाइस
इन फोटोशॉप बट आई हैव नो नॉलेज वेब डिज़ाइन। तो आप काइंडली काम करें, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ लिखें वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनिंग फुल कोर्स, वेब डिज़ाइनिंग फुल कोर्स इन उर्दू, इनमें से कोई भी कीवर्ड लगाओ, जो सबसे टॉप पे वीडियो वेब की आएंगी वो मेरी आएंगी। तो काइंडली आप वेब डिज़ाइनिंग वहाँ से सीखो और आप एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं वेब का। दिलावर अली कहते हैं प्लीज़ प्रोसीड फर्दर, मैं ज़रूर इसको प्रोसीड करूँगा दिलावर साहब। MS Access को हनी डोल कहते हैं ग्रेट, MS Access के कमेंट्स उपाए हैं। सैमसंग कहते हैं MS Access में सैलरी शीट, पेटी कैश, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बाद जी रिकंसिलेशन, कैश बुक, बजट वगैरह कैसे बनाने हैं प्लीज़ वो सिखा दें। आई एम योर सब्सक्राइबर प्लीज़। ओके जी सैमसंग साहब, मैं फुल कोशिश करता हूँ इसके ऊपर काम करने की और मैं इस पर तो करूँगा। इन्होंने कुछ और भी बोला है, अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई, प्लीज़ कॉलेज का सॉफ्टवेयर बताइए कैसे बनता है। तो पहले मैं आपको एक्सेस सिखाऊंगा, एक्सेस सीखने के बाद आप इसमें जो मर्ज़ी बनाना आपको समझ आ जाएगी बातें। एक्सेस सीखोगे तो जो मर्ज़ी करो। वकार हसन कहते हैं नाइस सर जी, इस वक्त शायद मेरा करंटली स्टूडेंट मेरे कॉलेज में पढ़ता है, उसने बोला है। ओके वकार, आपका भी शुक्रिया। सलमान खान कहते हैं थैंक यू सर, ये सलमान खान वो वाले नहीं हैं, ये हमारे स्टूडेंट सलमान खान है। इंटरेस्टेड जकी मोल कहते हैं इंटरेस्टेड, ओके मैं इस पर ज़रूर काम करूँगा। बशीर खान कहते हैं यू आर एक्सीलेंट, योर वीडियो इज़ मोस्ट यूजफुल एंड अफेक्टेबल, थैंक यू ब्रो, वेलकम ब्रो, वेलकम ब्रो। सबू शाह लिखते हैं सर आई एम इंटरेस्टेड, प्लीज़ MS Access में जॉब से रिलेटेड भी चीज़ें बताइएगा। ओके जी MS Access बिलाल हैदर हैदरी 44565 कहते हैं कि MSS के मुतालिक और वीडियो मिल जाएंगी तो नवाजिश होगी। यार नवाजिश कैसी, इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। वालेकुम अस्सलाम सर जी, फिर से वही हैं, आपके समझाने का अंदाज़ बहुत ही उम्दा है जी, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। शुक्रिया आपका। तो बोल्ग मास्टर कहते हैं गुड, MS Access के ऊपर है। अली यार भी कहते हैं सर MS Access का कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाइएगा प्लीज़, मैं ज़रूर बनाऊंगा जी आपके लिए। अबरार राजपूत कहते हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह आपका भी। टेक्निकल सॉल्यूशन कहते हैं इंटरेस्टेड सर जी, मैं एक्सेस के ऊपर, मतलब बहुत सारे कमेंट्स आपके एक्सेस के ऊपर आए थे, एक्सेस तो समझो कि अपना चलने चले ना। यस सर वी आर इंटरेस्टेड, ओके मलिक क्रिएशन साहब मैं हाजिर आपके लिए। फनी टिकटॉक एंड मूवीज़ कहते हैं सर प्लीज़ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे कोर्स स्टार्ट करें। तो मेरे प्यारे भाई फ़नी टिकटॉक वाले भाई, मैं अभी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट पे काम नहीं कर सकता, मैं अभी पहले कुछ कोर्सेज हैं और ये थोड़ा सा हैवी वाला काम है, मैं इसके लिए एक और अच्छा सा ज़रा स्पेशल PC पहले कर लूँ, लैपटॉप रखूँगा ताकि मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक बार ट्राई की थी करने की लेकिन लैपटॉप स्टक हो जाता है तो काम मैं ठीक से करवा नहीं पाता। जब काम ठीक से नहीं करवाऊँगा ना आपको मज़ा ना मुझे मज़ा, ना आपको फ़ायदा ना मुझे फ़ायदा, तो उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो मैं करूँगा ज़रूर आपके लिए। वेरी गुड सर जी टेक्निकल सॉल्यूशन कहते हैं थैंक यू जी, वेरी गुड के लिए। फास्ट एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं ओके स्टार्ट, पर लेक्चर डेली अपलोड करो, ये सबसे बड़ा गिला किया है प्यारे भाई ने मेरे से कि डेली लेक्चर अपलोड करने चाहिए, और जो मैं नहीं करता, मतलब मैं डेली अपलोड करता हूँ लेकिन हर वीडियो को डेली नहीं कर पाता, लेकिन एक्सेस मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको डेली डेली मिले लेक्चर। एक्सेस का तो लेक्चर डेली मिले मिले, फाइवर चाहे लेट हो जाए लेकिन फाइवर भी मिलेगा। अब जी आप फैसला करना है एंड पे क्या होता है यार। फैसल अंजुम कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम वीडियो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अब ना देखो इस वीडियो को, आपका वेस्ट हो रहा टाइम, आप कोई और वीडियो देख लो जिससे आपका टाइम बच जाए। मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता, आपका टाइम तो आपका अपनी मर्ज़ी, आपका नेट, आपका टाइम, आपकी सोच, मैं क्या कह सकता हूँ आपको। सर प्लीज़ टेक डेटाबेस, टीच डेटाबेस, ओके ज़रूर, इसका नाम क्या है जी, खान GCW। अरसलान अली कहते हैं सर डू नॉट स्टॉप द लेक्चर प्लीज़ कंटिन्यू, और MS Access के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, मतलब बहुत से लोग इंटरेस्टेड हो तो ये तो समझो हुआ हुआ। अरसनाली फिर से कहते हैं सर प्लीज़ डोंट नॉट स्टॉप कंटिन्यू, ओके हो गया। IT क्रिएशन कहते हैं सर एक्सेल एडवांस भी कर दें, लिंक दे दें अगर है तो। नहीं जी अभी मैंने एक्सेल एडवांस के लेक्चर क्रिएट नहीं किए, सिर्फ एक्सेल के 12 लेक्चर हैं, वो भी मैंने शायद आज से 1.5-2 साल पहले रिकॉर्ड किए थे, दोबारा कोई टाइम ही नहीं बना उसके ऊपर, तो उसको मैंने किया नहीं, लेकिन कुछ कुछ आपकी कमेंट्स की बेस पे मैं हाजिर हूँ, कुछ लाजमी ट्राई करूँगा। बेहतरीन सीरीज़ है ये, लाजमी कर दें स्टार्ट। एक्सेस के मतलब बात हो रही है और अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ हमारे पास ये वाला। सर माजिद मैं आपके इस MS Access के लेक्चर का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था, शुक्रिया सर, आई विल सपोर्ट यू। ओके बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। फाइनली
मसब अली कहते हैं मनसब अली कहते हैं इंटरेस्टेड एम एस सक्सेस में। उसके बाद निदा हफीज़ कहती हैं बिना वेबसाइट लिखे नेक्स्ट नहीं करने दे रहा सर। ये लेक्चर नंबर है हमारा 4। बिना वेबसाइट लिखे, तो बिना वेबसाइट की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है। आपको फिर भी कोई जो है डाउट हो रहा है, काइंडली उसकी पिक्चर खींच के मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें। आप अभी अभी ज्वाइन हुई हैं इस वीडियो के साथ, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप है, यहाँ सेंड करें मुझे। इसी तरह आगे आते हैं कैसे रशीद साहब। हेलो सर, मेक मोर वीडियो, ओके आई विल ट्राई। एम एस वर्ड की अच्छा ये बात कर रहे हैं, मैंने एम एस वर्ड में बेसिकली एक नई चीज़ बताई थी, इस बार डेवलपर मेन्यू उसमें एक चीज़ बताई थी, उसके ऊपर कमेंट्स हैं, तो डेवलपर मेन्यू के ऊपर थोड़ा सा काम कर देंगे आपके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। जी क्लीमुला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कंप्लीट लेक्चर स्पोकन इंग्लिश के सेंड करें। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर उन्होंने बोला है स्पोकन इंग्लिश के लेक्चर सेंड करें, तो आप यूट्यूब पर लिखें सर मार्जी स्पोकन इंग्लिश, आपको मेरे कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे। कंप्लीट तो नहीं है लेकिन इतने को हैं कि आपको काफ़ी कुछ बोलना बुलाना आ जाएगा। रोशन क्या कहते हैं, ओ भाई माफ़ कर दो, यूट्यूबरन सब फाइवरों को पीछे ही लगा हुआ है और एक दूसरे की वीडियो चोरी कर करके लगाई जा रहे हो। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन होता ये है, सिर्फ मसला पता है क्या होता है, अगर आप ये कमेंट सुन रहे हो रोशन खान साहब कि एक दूसरे की वीडियो चोरी करना आप बोल सकते हो या कॉपी करना बोल सकते हो, तो अंदाज़े बयां कुछ, आप एक मैथ सीखते हो, दो टीचर आपको सिखाते हैं, अब दोनों में से एक टीचर जब चूज़ करते हो क्योंकि एक का मेथड आपको अच्छा लगता है बताने का, तो जो मैं इधर से कुछ अगर लेके बता रहा हूँ तो सिर्फ लॉजिक सिर्फ उसका यही है कि जो लोगों को मेरे लेक्चरों के थ्रू समझ आ सकता है बस वो समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप ना देखें आपकी मर्जी। पीस वर्सेस वार, ओके लव यू सर जी, तुसी ग्रेट हो, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। एम एस वर्ड के ऊपर कमेंट्स आया जी, गुड वर्क सर, थैंक यू। और शारिक जही कहते हैं सर इस वीडियो को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ये समझ नहीं आई, तो इसमें सिर्फ मैंने डेवलपर मेन्यू का यूज़ किया है और इसमें कुछ भी नहीं किया, फिर भी ट्राई करूँगा। हाफिज़ विकास कहते हैं मज़ीद डिटेल भी समझा दे सर, तो इसका पूरा डेवलपर मेन्यू का फिर आपको लेक्चर पूरा एक बना के दूंगा, आपको और अच्छे समझ आएगा। सलमान खान कहते हैं नाइस सर जी। मोहम्मद अख्तर अली हैदर कहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ज़्यादा तरक्की दे और आपको हमेशा खुश रहे, आमीन। अब्दुल खालिक कहते हैं थैंक यू सर। एम डी अक्रम कहते हैं सर यू आर ग्रेट। और बोल मास्टर कहते हैं फाइवर से अर्निंग कैसे करें, तो ये मैं वीडियो साथ साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप काइंडली पूरी सीरीज़ देखते जाएगा, आपको सभी कुछ इसमें अंदाज़ा होता जाएगा। आलियान अहमद कहते हैं आप स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं आइसक्रीम जो खाने वाली होती है उसका नाम है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर, जो getintopc.com से आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो रजिस्टर्ड वर्जन में। हैदर एहसान कहते हैं हैदर एहसान थैंक्स सर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ओके जी वेलकम आपका भी। टिकटॉक लवर कहते हैं कीप इट अप सर, थैंक्स वेलकम। क्रेजी माइनिंग आइडियाज़ कहते हैं ब्रो कब तक अपलोड होगी और कितनी वीडियोस अपलोड होंगी इस कोर्स की, तो इसकी कम से कम समझो कि 12 से 15 वीडियोस बनेंगी आपके लिए जो उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अदरवाइज मेरे 5 नंबर की वीडियो है, वहाँ मेन काम वहाँ तक ही होता है, गिग लगाने तक, गिग बनाना मैंने बता दिया हुआ है, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा गिग के ज़रिए ही। फिर से नाइस आता है हमारे पास, फिर से क्रेजी माइनिंग कहते हैं गुड ब्रो नाइस प्रोफाइल सेट हो गई है, मैंने वेब डेवलपिंग की स्किल्स के कोर्स किया हुआ है, तो ठीक है आप इसके ऊपर काम शुरू करें। एएसएन कहते हैं यू आर ग्रेट सर। किंग ऑफ एजुकेशन कहते हैं ग्रेट सर। कोई नेगेटिव कमेंट्स काफ़ी देर से नहीं आया, देखते हैं आता है कोई। क्रेजी माइंड आइडिया गुड ब्रो एंड थैंक्स वेलकम। क्रेजी माइंड फिर से कहते हैं गुड ब्रो। सालिम राय कहते हैं नाइस। मोहम्मद अख्तर अली हैदर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ अपलोड फर्दर लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़। कौन सी सीरीज़ ये वाली? अच्छा एंगुलर जीएस की। आई एम इनकॉशली वेटिंग फॉर देम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम माई कॉन्सेप्ट्स आर क्लियरिंग दिस मच, थैंक यू सो मच वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लाजमी रिकॉर्ड करूँगा, ये मेरा आपसे प्रोमिस है। नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर आपको इसके एक दो लेक्चर जरूर प्रोवाइड करने की फुल कोशिश नहीं कर ही दूँगा प्रोवाइड, क्योंकि ये मेरे लिए भी मुझे मज़ा लगता है इस काम को करने में। सर सर काइंडली एंगुलर जे एस के लेक्चर्स के लिंक सेंड कर दें, इसके लिंक सेंड कर दूँ अब सर? यूट्यूब पर लिखो सर माजिद एंगुलर जे एस, मेरे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे यार, लिंक की क्या ज़रूरत है आपको। अब्दुल एम कहते हैं गुड सर। मुदस्सर जोया कहते हैं सर इसकी अर्निंग क्या है, सर इसकी अर्निंग क्या है, इसकी अर्निंग लोग लाखों भी कमाते हैं, हज़ारों भी कमाते हैं, जितना करोगे उतना भरोगे अपना गला पैसों वाला। कैरियर बिल्डिंग कहते हैं ग्रेट सर जी, कैरियर बिल्डिंग
वो शुक्रिया आपका, 4 दिन पहले उन्होंने बोला था। फरहान खान कहते हैं सर ये वीडियो पहले नहीं हो रही, सर ये वीडियो प्ले नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है यार, प्ले करो, नेट अपना थोड़ा तेज़ करो, लाजमी चलेगी। हाउ टू टीच अदनान कहते हैं सर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स प्लीज़ हैकिंग प्लीज़। यार हैकिंग का इतना दरअसल कोर्स बनाने में टेंशन कोई नहीं है, लेकिन हैकिंग एक लफ्ज़ ही ऐसा है कि जिसके अंदर ना अपने ऊपर केस डलवाने वाली बातें होती है, इसलिए मैं हैकिंग की बातें बहुत कम करता हूँ, लेकिन इसकी भी 2-3 टाइप्स होती हैं। कहोगे तो थोड़ी बहुत आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी इससे मुझे डर ही लगता है हैकिंग के चक्करों में पढ़ने में, क्योंकि सीधा सीधा हमारे पास केस ही बनता है। वलीद अहमद कहते हैं आई लाइक यू, ओके। वलीद अहमद फिर से कहते हैं नाइस। और आमना आमना कहती हैं गुड इन्फॉर्मेशन सर जी, थैंक यू आमना। जहूर खान कहते हैं ग्रेट वर्क सर जी। और आर्टिस्ट क्लब कहते हैं ग्रेट वर्क। तो ये अपने पास हमने काफ़ी सारे कमेंट्स को रीड करने की कोशिश की है, जो कोई रह जाए तो उसके लिए मैं माजर चाहूँगा। फिर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा तक कवर कर दिया है, आर्टिस्ट तक, एनसी क्रिएशन हो गया और एनसी क्रिएशन के बाद आते हैं फराज साहब आई लव यू सर माजिद अली, बहुत अच्छे टीचर हैं, आई लव यू, दुनिया के बेस्ट टीचर सर माजिद अली जिंदाबाद। इन्होंने पहले भी कमेंट्स किया था, दोबारा फिर कमेंट्स किया, लेकिन ये कमेंट्स हेल्ड पड़े हुए हैं। गुड वर्क, आई आल्सो नीड कीप इट अप, फाइवर के ऊपर बात हो रही है ये वाली। टेक्स सॉल्यूशन कहते हैं सर आप सबसे अच्छे हैं, और यार बस ऐसा ही हूँ मैं। टेक्निकल सॉल्यूशन पे कहते हैं वेरी गुड सर जी, थैंक यू। लो जी अब कुछ लगता है नेगेटिव आया कि नहीं। भाई फ्री में कोरलड्रा कैसे लें विदाउट प्रॉब्लम, के कोरलड्रा X7 में एक्सपोर्ट के ऑप्शन नहीं काम कर रही इनकी, तो ये कहते कैसे मिलेगा। आप सिर्फ इतना काम करें, आप लिखें कोरलड्रा, गूगल पे लिखना है कोरलड्रा X7 getintopc.com, तो इस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करोगे आपको ईजिली मिल जाएगा। आई लव यू, थैंक यू। रेहान उस्मान कहते हैं सर आप ऑटो कैड के लेक्चर कंटिन्यू करें प्लीज़। यार मैं करने हैं, बस क्या बताऊँ कैसा बुरा फंसा हूँ मैं, कई कोर्सेज शुरू कर बैठा हूँ। ऑटो कैड आई विल ट्राई, लाजमी इस वीक के अंदर 1-2 वीडियो तो लाजमी इसकी भी ऐड कर ही दूंगा, जो मर्ज़ी हो जाए। यार कोर्स का मेन्यू नहीं खुल रहा, कौन सा मेन्यू नहीं खुल रहा। उसके बाद कहते हैं जी अपने पास सर माजिद मैं खैरपुर से सिंध में हूँ, DIT करता हूँ। सर माजिद आप कोई अकेडमी है तो हमें बताएं, आपके पास हम पढ़ना चाहते हैं। तो मैं यार बेसिकली होता लाहौर में हूँ, लेकिन मैं ना बहुत कम टाइम देता हूँ किसी को, मतलब टाइम बनता नहीं है। मैं तो चाहता हूँ टाइम दूँ लेकिन बन नहीं पाता, इसलिए माजिद चाहूँगा कोई अगर मैं कोई ऐसी एडजस्टमेंट करता तो लाजमी आप सबको वेलकम करूँगा, आप मुझे लाजमी मिलने आइएगा। सर बाकी कोरलड्रा X4 रजिस्टर नहीं हो रहा, प्लीज़ इस पर एक लेक्चर रजिस्टर पर बनाएं। तो आप YouTube पे लिखे सर माजिद कोरलड्रा रजिस्टर, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जो आपके लाजमी काम आ जाएगी, देखिएगा। मौला हुसैन आपको कोई गम ना दे, अल्लाह पाक बहुत खुश रखे, थैंक यू। सर माजिद मौला हुसैन आपको बहुत खुश रखे, सलामत रखे, शुक्रिया। जवाद खान कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं नोटपैड में जो वर्क लिखती हूँ वो लिखती हूँ, ओके जवाद खान, लेकिन नाम लिखती है तो वो क्रोम में आंसर नहीं दे रहा। तो आप अपनी फाइल पे राइट क्लिक करके उसे ओपन विद में जाकर ब्राउज़र पे प्रीव्यू करें, लाजमी आएगा। अगर फिर भी ना आए तो अपने नोटपैड वाली फाइल को सेव एज में डाके .html करके दोबारा सेव करें, फिर रिज़ल्ट आएगा। फिर भी ना हो तो एंड में मैं हाजिर हूँ, मेरा इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप है, काइंडली मुझे उस कोडिंग की पिक्चर खींच के सेंड करें, तो 7646 हाँ ठीक है नंबर ठीक है, तो मुझे इस पर सेंड कीजिएगा, मैं कहीं वीडियो रिकॉर्ड करी एंड पे नंबर गलत निकला है। शमीर खान कहते हैं जस्ट वांट टू से आई लव यू, योर टीचिंग मैनी थिंग्स। यार बहुत शुक्रिया शमीर साहब आपका। यासिर खान कहते हैं आपका नंबर ही नहीं मिलता, तो ये आपके पास नंबर मोबाइल नंबर आ रहा है, इसको आप चेक करें, जब मर्ज़ी इस पर मुझे टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप पर भी टेक्स्ट करें, कॉल्स कम अज़ कम कीजिएगा, क्योंकि कॉल्स मैं कम अटेंड कर पाता हूँ लेकिन बाकी चीज़ें होती हैं। मेहर उसामा ये तो अभी मेरा करंटली DIT का हमारा 3rd ईयर का स्टूडेंट है, तो उसामा तुम्हें तो मैं सुबह मिलकर शुक्रिया अदा कर दूँगा, तुमने कमेंट्स किया इस वीडियो को देखकर। मेहर टेक्नोलॉजी ये भी अपना हमारा स्टूडेंट लेकिन कोर्स करके मुझसे जा चुका है मेरे कॉलेज में, तो शुक्रिया आपका भी मेहर साहब टेक्नोलॉजी साहब आपका भी। लोड मोबाइल कहते हैं आप 1 महीने में कितना अर्न कर लेता हो, तो लोड साहब 1 महीने में कोई फिक्स दरअसल अर्निंग नहीं होती यूट्यूब से, कभी इसमें $80 आते हैं, कभी $120 आ जाते हैं, कभी इससे ज़्यादा कभी इससे कम होते हैं, कोई फिक्स नहीं है। अगर फिर भी टेंशन लगती है तो यूट्यूब पे लिखो सर माजिद फर्स्ट पेमेंट सेकंड पेमेंट, मैं जितने पैसे कमाता हूँ मैं यूट्यूब पे ही लगाता हूँ और उसकी मैंने वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, आप काइंडली सर्च करें, आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरी। छठा दिन चल रहा है, आखिरी दिन है जी। अरबाज़ कमर कहते हैं सर प्लीज़ वेबसाइट बनाने का तरीका बता दें और
सही अर्न कैसे करें, प्लीज़ 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 वेबसाइट बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स मेरा सर्च करें, बहुत अच्छे से आपसे गेट कर पाओगे। आखिरी कमेंट जो आ रहा है बस ये देख लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने वेब डेवलपमेंट का जो लेक्चर 158 दिया है, कोर्स अपलोड किया है, तो प्लीज़ उसे पूरे करके फाइवर पर कॉन्फिडेंट के साथ काम कर सकते हैं। वो कहते हैं मतलब कि आपके जो 158 लेक्चर हैं उसे सीखने के बाद क्या फाइवर पर कॉन्फिडेंट से काम कर सकते हो? अगर आपने उतने लेक्चर अच्छे से डन किया तो बिल्कुल जितना बताया है उतना काम कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। और 158 लेक्चर नहीं है मेरे, इसमें 175 आगे और भी मिलेंगे। फिर बूटस्ट्रैप मैंने अपलोड किया है, एंगुलर जेएस अपलोड किया है, तो कई तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपलोड करने की कोशिश की है। तो ये थे आपके आज लास्ट सिक्स डेज के कमेंट्स। अगर इन कमेंट्स में कोई अच्छी बोली बात हो तो आप तमाम दोस्तों से शेयर कर चुका हूँ मैं सारी बातें। जो कोई सवाल किसी का रह गया उसके लिए माजरत, कोशिश किया करो पहले पहले कमेंट्स कर दिया करो ताकि मैं कमेंट्स आपके पिक करके आपको आंसर देने की कोशिश करूँ। अगर कोई टेंशन है तो प्लीज़ मुझसे आप रابطہ ज़रूर कीजिएगा, मेरे सेल नंबर आपके पास अवेलेबल है। तो बात करते हैं अपने पास फिर नेक्स्ट मंडे की और देखते हैं वहाँ पे कौन सी वीडियो आपके लेके मैं हाजिर होता हूँ। डेफिनेटली MS Access की वीडियो ही लेके हाजिर हूँगा ताकि एक्सेस के लेक्चर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँ मैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।